बीजेपी विधायक की बेटी बोली, पापा से बचाओ। ये सिंदूर मैंने फैशन में नहीं लगा रखा है, ये शादी कर ली इसलिए लगा रखा है। और पापा, आपने जो अपने कुत्ते भेज रखे हैं ना मेरे पीछे, जस्ट लाइक राजीव राणा, उसको बताओ अगर मेरे सर के ऊपर से पानी चला गया तो उसका पूरा खानदान जेल में हो गया, मैं परेशान हो चुकी हूँ। अपनों से जान बचाता फिर रहा है प्रेमी जोड़ा। हम लोग जहाँ रुके हुए थे होटल में, वहाँ पे वो लोग मॉर्निंग में आ गए और वो तो हमें मौका मिल गया कि हम लोग वहाँ से निकल गए, क्योंकि वो लोग लोग का पूरा प्लान है हमें मारने का। बेटी की सुहाग के दुश्मन क्यों बने विधायक जी? वो लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए या कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि मैं एक दलित परिवार से हूँ, ये रीजन है। इंटरकास्ट शादी पर बरेली में बवाल। बरेली के कप्तान से यही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी दें और हमारा ख्याल रखें। प्यार किया, कोई चोरी नहीं की। और प्लीज पापा, अपनी सोच बदलो, अभी और अभी की फैमिली इंसानी है, कोई जानवर नहीं है वो लोग, तो प्लीज अपनी सोच बदलो, अच्छे लोग हैं, मैं खुश रहूंगी उनके साथ। विधायक पापा से डर लगता है। और बरेली के मंत्री, सांसद, एमएलए से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मैं कि जो लोग मेरे पापा की हेल्प कर रहे हैं वो मेरे पापा की हेल्प करना बंद कर दें, क्योंकि सच में हमारी जान को खतरा है। मैं साक्षी और ये मेरे हस्बैंड अभी, हमने अपनी मर्जी से शादी कर ली है और अब मेरे घर वाले जो हैं वो उन्होंने मतलब लोगों को पीछा लगा दिया है हमारे, और हम भागते भागते बहुत परेशान हो चुके हैं। और बस मैं बरेली के कप्तान से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी दें और हमारा ख्याल रखें। अपने पिता से ही अपनी जान बचाने की गुहार लगाने वाली इस लड़की का नाम है साक्षी मिश्रा। साक्षी और उनके पति अभी अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। साक्षी और उनके पति के मुताबिक वो जहाँ जाते हैं पीछे पीछे साक्षी के विधायक पापा के लोग आ जाते हैं। मजबूर होकर उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया और ये वीडियो बनाकर शेयर कर दिया। बरेली के रहने वाले अभी और साक्षी हिंदू रीति रिवाज से शादी कर चुके हैं, लेकिन दोनों की जातियाँ अलग हैं। साक्षी ब्राह्मण कुल से है जबकि अभी दलित परिवार से ताल्लुक रखता है। बस यही बात साक्षी के विधायक पिता को नागवार गुजरी। आरोप है कि बरेली की बितरी चैनपुर सीट से बीजेपी विधायक राजेश कुमार मिश्रा और पप्पू भरतोल अपनी बेटी के प्यार के दुश्मन बन गए हैं। साक्षी और अभी बीजेपी विधायक से रहम की गुहार लगा रहे हैं। हम लोग जहाँ रुके हुए थे होटल में, वहाँ पे वो लोग मॉर्निंग में आ गए और वो तो हमें मौका मिल गया कि हम लोग वहाँ से निकल गए, क्योंकि वो लोग लोग का पूरा प्लान है हमें मारने का। वो लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए या कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि मैं एक दलित परिवार से हूँ, ये रीजन है। और वो लोग फिलहाल हमें मारना चाहते हैं, तो हम ये इसलिए मीडिया का सहारा ले रहे हैं मित्रों कि हम लोग की जान बच जाए और हम लोग सेफ रहें। हाँ। और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि अगर ये हम वीडियो हाथ बनाने आ गए तो वो पक्का हमें मार देंगे, पक्का, मतलब कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। बरेली के वासी तो जानते ही हैं माननीय विधायक जी को। साक्षी के मुताबिक उनके पिता के दोस्त उनका पीछा कर रहे हैं। साक्षी अपने पति के साथ खुशी से रहना चाहती है, लेकिन जातिवाद की बीमारी से ग्रसित कुछ लोगों को उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। पापा और विक्की, पापा बोले तो माननीय विधायक पप्पू भरतौल जी और विक्की भरतौल जी, प्लीज अब मान जाओ और शांति से जियो और रहने दो, क्योंकि मैंने सच में शादी कर ली है। ये सिंदूर मैंने फैशन में नहीं लगा रखा है, ये शादी कर ली है इसलिए लगा रखा है। और पापा, आपने जो अपने कुत्ते भेज रखे हैं ना मेरे पीछे, जस्ट लाइक राजीव राणा, उसको बताओ अगर मेरे सर के ऊपर से पानी चला गया तो उसका पूरा खानदान जेल में हो गया, मैं परेशान हो चुकी हूँ, मतलब इतना घूम घूम के हम परेशान हो चुके हैं और मेरी हमारी जान को खतरा है। और साक्षी ने बरेली के विधायकों और सांसदों से भी अपने पिता की मदद ना करने की अपील की है। साक्षी का यही कहना है कि अगर वो पकड़े गए तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। और बरेली के मंत्री, सांसद, एमएलए से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मैं कि जो लोग मेरे पापा की हेल्प कर रहे हैं वो मेरे पापा की हेल्प करना बंद कर दें, क्योंकि सच में हमारी जान को खतरा है। ये जोड़ा इतना डरा हुआ है कि किसी पर भी यकीन नहीं कर पा रहा। ये लोग पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। वीडियो में साक्षी ने ये भी बताया कि अगर भविष्य में उन्हें कुछ हुआ तो उनके पिता जिम्मेदार होंगे। मैं इस वीडियो के थ्रू एक बात कहना चाहूंगी, इन फ्यूचर अगर मुझे और अभी के फैमिली के किसी भी मेंबर को कभी कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार
मेरे पापा विक्की भड़तौल और राजीव राणा होंगे। राजीव राणा तो स्पेशली जो पूरी टीम लेकर आया हुआ है और मेरे पीछे घूम रहा है। मैं मर तो जाऊंगी लेकिन उसका पूरा खानदान मिटा के जाऊंगी। राजीव जी ये चीज ध्यान रखना। सोशल मीडिया पर साक्षी और अभी का ये वीडियो वायरल हो रहा है। लोग बीजेपी विधायक को यही नसीहत दे रहे हैं कि दो प्रेमियों को परेशान ना किया जाए। साक्षी ने भी अपने पिता से अपनी जातिवादी सोच बदलने की अपील की है। और प्लीज पापा अपनी सोच बदलो, अभी और अभी की फैमिली इंसानी है, कोई जानवर नहीं है वो लोग, तो प्लीज अपनी सोच बदलो। अच्छे लोग हैं, मैं खुश रहूंगी उनके साथ, प्लीज। और खुश रहो और खुश रहने दो, चुपचाप अपनी राजनीति करो। वहीं साक्षी के पिता और बीजेपी के विधायक राजेश मिश्रा ने सभी आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि मेरी तरफ से किसी को कोई खतरा नहीं है। वीडियो वायरल होने के बाद यूपी पुलिस भी हरकत में आ गई है। यूपी पुलिस के आला अधिकारियों ने साक्षी और अभी को सुरक्षा मुहैया कराने का भरोसा दिया है। साक्षी और अभी का ये वीडियो दिखाता है कि हमारा समाज आज भी प्यार करने को गुनाह मानता है। जाति और मजहब की बेड़ियों में जकड़े लोग दो दिलों का मिलन बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसी जातिवादी सोच का अंत होना चाहिए। पापा और विक्की, पापा बोले तो माननीय विधायक पप्पू भड़तौल जी और विक्की भड़तौल जी, प्लीज अब मान जाओ और शांति से जियो और रहने दो, क्योंकि मैंने सच में शादी कर ली है। ये सिंदूर मैंने फैशन में नहीं लगा रखा है, ये शादी कर ली है इसलिए लगा रखा है। और पापा आपने जो अपने कुत्ते भेज रखे हैं ना मेरे पीछे, जस्ट लाइक राजीव राणा, उसको बताओ अगर मेरे सर के ऊपर से पानी चला गया तो उसका पूरा खानदान जेल में होगा। मैं परेशान हो चुकी हूँ, मतलब इतना घूम घूम के हम परेशान हो चुके हैं और मेरी हमारी जान को खतरा है। और एक बात कहना चाहूंगी विक्की और पापा कि अभी और उसके रिलेटिव्स को परेशान करना बंद कर दो, क्योंकि उन लोगों की कोई गलती नहीं है, जो कुछ किया है मैंने और अभी ने किया है। और अब शांति से जियो और राजनीति करो। मैं खुश रहना चाहती हूँ और आजाद रहना चाहती हूँ। और मैं इस वीडियो के थ्रू एक बात कहना चाहूंगी, इन फ्यूचर अगर मुझे और अभी के फैमिली के किसी भी मेंबर को कभी कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार मेरे पापा विक्की भड़तौल और राजीव राणा होंगे। राजीव राणा तो स्पेशली जो पूरी टीम लेकर आया हुआ है और मेरे पीछे घूम रहा है। मैं मर तो जाऊंगी लेकिन उसका पूरा खानदान मिटा के जाऊंगी। राजीव जी ये चीज ध्यान रखना। और बरेली के मंत्री सांसद एमएलए से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मैं कि जो लोग मेरे पापा की हेल्प कर रहे हैं वो मेरे पापा की हेल्प करना बंद कर दें, क्योंकि सच में हमारी जान को खतरा है। और प्लीज पापा अपनी सोच बदलो, अभी और अभी की फैमिली इंसानी है, कोई जानवर नहीं है वो लोग, तो प्लीज अपनी सोच बदलो। अच्छे लोग हैं, मैं खुश रहूंगी उनके साथ, प्लीज। और खुश रहो और खुश रहने दो, चुपचाप अपनी राजनीति करो। धन्यवाद। मैं साक्षी और ये मेरे हस्बैंड अभी, हमने अपनी मर्जी से शादी कर ली है। और अब मेरे घर वाले जो हैं वो उन्होंने मतलब लोगों को पीछा लगा दिया है हमारे, और हम भागते भागते बहुत परेशान हो चुके हैं। और बस मैं बरेली के कप्तान से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी दें और हमारा ख्याल रखें। थैंक यू। हम लोग जहाँ रुके हुए थे होटल में, वहाँ पे वो लोग मॉर्निंग में आ गए और वो तो हमें मौका मिल गया कि हम लोग वहां से निकल गए, क्योंकि वो लोग, उन लोग का पूरा प्लान है हमें मारने का। वो लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए या कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि मैं एक दलित परिवार से हूं, ये रीजन है। और वो लोग फिलहाल हमें मारना चाहते हैं, तो हम ये इसलिए मीडिया का सहारा ले रहे हैं मित्रों कि हम लोग की जान बच जाए और हम लोग सेफ रहे। हाँ। और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि अगर ये हम वीडियो हाथ बनाने आ गए तो वो पक्का हमें मार देंगे, पक्का। मतलब कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। बरेली के वासी तो जानते ही हैं माननीय विधायक। आप देख रहे हैं द शूद्र। बहुजन समाज से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।